हेलो स्टूडेंट्स, जो हम लोग का आज का टॉपिक रहा वो मिनरल्स से रहा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट एक टॉपिक और चैप्टर्स बच गया है, तो आज हम लोग अच्छे से देखिए इसको। इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग का नॉलेज में रहे और हम लोग आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ भारत की खनिज संपदा जो है असमाप्त तो नहीं, लेकिन देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को सुदृढ़ अर्थात मतलब सुदृढ़ दैट मीन्स डेवलपमेंट, यहाँ पे को सुदृढ़ का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। ये जो है मेहर डी एन वाडिया ने दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग देखें कि खनिज से रिलेटेड जब रहेगा जिस भी देश में, वो क्या हो सकता है, वो इकोनॉमिकली और इंडस्ट्री उसका डेवलप्ड हो सकता है और उसका बेस मिनरल्स ही रहेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर्स क्या क्या है, तो मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर्स में देखिए, भारत में पूरा मध्य और नवपाषाण युग में लोगों को खनिज का ज्ञान था। आज़ादी के समय सेकंड में देखिए, आज़ादी के समय थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग को मिल जाएगा ये नोट्स और अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसीलिए आज़ादी के समय 22 मिनरल्स निकाले जाते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 125 हो गई है। पर्याप्त के आधार के खनिजों को चार वर्ग में बांटा गया है। विशाल भंडार वाले, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता वाले वे जिनका आयात करना पड़ता है। एक अन्य वर्गीकरण अनुसार खनिज धात्विक, अधात्विक और लोह और अलोह होते हैं। भारत में खनिजों की तीन पट्टियाँ हैं। भारत में अधिकतर खनिज अत्यंत प्राचीन काल की भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। भारत में आधात्विक खनिजों में चूने का पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, अभ्रक, फास्फोराइट, एपाटाइट, केओलिन आदि का बहुत महत्व है। भारत में लोहे के कितना है, 200 करोड़ टन के लिए विशाल भंडार है, तथा यहाँ पे 256 में देखिए, यह पुराना डाटा के अकॉर्डिंग है। मैग्नीज बहुत ही उपयोगी खनिज है। भारत में इसका इतना टन 40.6 करोड़ टन है। अभ्रक बिजली के उद्योग में जान है, जो आप लोग का अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, जो भारत में ये बहुत ही हल्का होता है। भारत में इसके पर्याप्त भंडार, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। देखिए, बॉक्साइट किससे निकाली जाती है, एल्युमिनियम से। यहाँ पे इसका पूरा डेटा है, पुराना ही। भारत में सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा भी निकाला जाता है। पेट्रोलियम, कोयल, ला जल विद्युत तथा परमाणु खनिज ऊर्जा के संसाधन है। भारत में कोयले 25 करोड़ टन विशाल भंडार है। भारत के पेट्रोलियम उत्पादन कम तथा भारी मात्रा में इसका आयात करना पड़ता है। देश में परमाणु ऊर्जा का निरंतर विकास हो रहा है। खनिज सुखी जीवन के आधार बन गए हैं। ये समय पर संसाधन है, इसका संरक्षण भी, दैट मीन्स इतने जो मिनरल्स हुए अभी, ये 125 मिनरल्स है, ये इस सुखी जीवन का आधार है। और ये संसाधन क्या होते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए इसका क्या करना, संरक्षण करना अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर और एक चैप्टर्स का दिया हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। खनिज प्राकृतिक सामग्री, निश्चित रासायनिक संगठन और विशिष्ट परमाणु संरचना वाले अकार्बनिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। 1600 से अधिक प्रकार के खनिजों का ज्ञान मानव को है। भारत में प्रस्तर युग कितना से इतना में खनिजों का ज्ञान और उपयोग प्रारंभ हुआ है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण में जो है मनुष्य बेसाल्ट, चमकक, स्लेट आदि का उपयोग करता था। ताम्र युग में कांस्य युग तथा उसके बाद हड़प्पा संस्कृति युग में तांबा, पित्तल, कांसा, मैग्नीज, लोहे आदि का खनिजों का आयुर्वेद में औषधि के रूप में होता था। वैद्य मोती, मूंगा, हीरा, नीलम, पन्ना, सोना, चांदी का उपयोग रोगों के उपचार में करते थे। पोरस तथा सिकंदर को भारतीय इस्पात में, देखिए, पोरस द्वारा सिकंदर को भारतीय इस्पात में भेंट की। दिल्ली लोहा इस्पात रायचूर जिले। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दिया हुआ है कर्नाटक के हट्टी, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक में हट्टी की सोने भारत की खनिज उपयोग प्राचीनतम का प्रमाण है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग देख क्या रहे हैं कि
लौह धातु, अलौह धातु, धात्विक और अधात्विक। यहाँ पे आप लोग का परिभाषिक शब्द में सीखिए लिखा हुआ है, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लौह धातु, जिसमें लोहा का अंश वाली धातु जैसे मैग्नीज और लोहा, इम्पॉर्टेंट है इसको याद कीजिए, जिसमें मैग्नीज और लोहा, इसके लोह की अंश होती है। अलौह धातु जिसमें लोहे का अंश नहीं हो, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, ठीक है। अलौह धातु जिसमें लोहा का अंश नहीं हो। अब धात्विक खनिज जिसमें धातु ना हो, तांबा, लोएस्क और निकेल, ये इसमें धातु नहीं होगा, तांबा, लोएस्क और निकेल में। और अधात्विक खनिज जिसमें धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना पत्थर, पोटास, अब्रक, ये सभी स्टूडेंट्स। तो ये अभी जो आप लोग इसको आप लोग नोट्स कॉपी में लिखिए, लौह धातु, अलौह धातु और मेटालिक और नॉन मेटालिक, ये आप लोग का हो गया। जिसमें हम लोग देखिए अब मिनरल रिसोर्स, अब मिनरल्स रिसोर्स के बारे में देखिए। सभी खनिज प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए मुफ्त उपहार है, ये जो है मानव के लिए मुफ्त उपहार है। खनिज किसी भी देश की आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है। भारत में विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनके भंडार में पर्याप्त खनिजों के उद्योग को कच्चा माल मिलता है। लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा आदि इसी प्रकार के खनिज है। खनिज जो है कि कुछ विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट देखिए, इसका वितरण जो है मिनरल्स का, ये असमान है, कहीं इनके भंडार अधिक और कहीं कम होते हैं। सेकंड में हम लोग देखेंगे अधिकतर खनिज समाप्त होने वाले हैं, इसका नवीकरण नहीं हो सकता है, इनका निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे कि खनिज के गुण और मात्रा में विरोध होता है, उत्तम गुण वाले खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसकी कुछ विशेषता फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहा, इसको इम्पॉर्टेंट सब लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से कीजिए। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखिए यहाँ पे खनिजों का वर्गीकरण बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से लिखिए। जैसे धात्विक जिसमें हम लोग देखे थे, धात्विक में जिसमें धातु का अंश हो, लोहा और तांबा। अब इसमें देखिए लौह खनिज लोहे का अंश वाले, लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट और निकेल। अलौह जिसमें क्या है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, बॉक्साइट, सोना, चांदी, इसमें अलौह होते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें क्या है, एक जिसमें आप लोग देखिए खनिज ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अन्य धात्विक खनिज में अब्रक, चूने, पत्थर और ग्रेफाइट। स्टूडेंट्स हम लोग देखिए लौह धात्विक में देखे थे जिसमें धातु की मात्रा हो, जैसे तांबा और लौह अयस्क और निकेल। अधात्विक में हम लोग देखे ही थे कि चूना पत्थर, पोटास, अब्रक, ये सभी आप लोग का अब्रक, चूने का पत्थर। तो दोनों को मिक्सअप करके बहुत अच्छे से, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे जो है डेटा आप लोग का पुराना है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे खनिज वितरण की विशेषताएं को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, और इसका फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है, खनिज अवशेषण, दैट मीन्स इनोवेशन में संलग्न एवं अन्वेषक। भारत में खनिज के निर्यात जो है सर्वेक्षण, पूर्व सर्वेक्षण, खनिज के निर्यात सर्वेक्षण और खोज निर्मित संगठन में लगे हुए हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जो है तेल, प्राकृतिक गैस, ONGC, नाम सुने होंगे आप लोग, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, MECL, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारतीय खान ब्यूरो, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, BGMIL और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नालको आदि विभिन्न राज्यों में खनन और भूविज्ञान।
तो ये आप लोग का रहा। इधर देखिए हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब खनिज वितरण की विशेषताएं देख लेंगे। ये खनिज जो है तीन पेटियां हैं, उत्तरी पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। खनिज के तीन हैं, नॉर्थ ईस्ट जो प्लेटो है, दक्षिण पश्चिम पठार और नॉर्थ पश्चिम प्रदेश। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि खनिज वितरण दैट मीन्स वितरण दैट डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग इसको क्लासेस अटेंड करते हैं। ओके।